देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को समाज सेवा करने का अधिकार है, तो ऐसे में मनीष वर्मा जी आ रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं है और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, राजनीति में आगे बढ़े। जो नीतीश बाबू के साथ रहते हैं वो इसी तरह की बात बोलते हैं। कुमार को क्यों उत्तराधिकारी चुनना पड़ रहा है? अरे भाई, नीतीश कुमार अपने ब्यूरोक्रेट हैं, अब ब्यूरोक्रेसी को वो तवज्जो देते हैं, जानते हैं कि 77 में चुनाव नहीं जीते, 80 में चुनाव नहीं जीते, ये 85 में चुनाव जीते और फिर 89 में शरद यादव और लालू यादव की कृपा से ये MP बन गए। नीतीश कुमार को ग्रास रूट का नेता नहीं मानते? नहीं नहीं, ग्रास रूट का वर्कर नहीं है ये, कभी इन्होंने झोला टांग का काम नहीं किया है, ये हमेशा ब्यूरोक्रेट क्या के साथ दिया और ब्यूरोक्रेसी जैसा राजनीति किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा राजनीतिक प्रयोग करने जा रहे हैं, एक पूर्व IAS अधिकारी को अपनी पार्टी में शामिल कराया है और मनीष वर्मा उनका नाम है, लोग उनको नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के रूप में देख रहे हैं। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, एक पूर्व IAS अधिकारी। देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को समाज सेवा करने का अधिकार है, चाहे वो नौकरी पेशा में IAS हो, IPS हो, छोटा पदाधिकारी हो, चाहे फोर्थ ग्रेड एम्प्लाई है, रिटायरमेंट करने के बाद उसको अधिकार है राजनीति करने का, सेवा करने का। और माननीय मुख्यमंत्री का ये भी अधिकार है कि किसको वो अपना उत्तराधिकारी चुनते हैं, तो ऐसे में मनीष वर्मा जी आ रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं है और मैं शुभकामना देना चाहता हूँ, राजनीति में आगे बढ़े। कितना उम्मीद करते हैं मनीष वर्मा से आप? नहीं, हम मनीष वर्मा जब राजनीति में आ जाएंगे तब ना हम जांचेंगे परखेंगे, हमारे यहाँ DM रहे हैं, मैं जानता हूँ उनको, जांचेंगे परखेंगे कि राजनीतिक सोच कितनी है उनकी, तो हम तब देंगे। राजनीति में आने के साथ ही उन्होंने शुरुआत कर दी है राजनेताओं की भाषा बोलना और उन्होंने कहा है कि लालू और राबड़ी राज को जंगल राज की तुलना की है। जो नीतीश बाबू के साथ रहते हैं वो इसी तरह की बात बोलते हैं, बोलना चाहिए जो आज की ये है रिपोर्ट है, जो सरकार का आंकड़े हैं, मर्डर का, हत्या माने हत्या का हो, लूट का हो, छिनतई का हो, कितना आंकड़े बढ़े हैं, ये पहले झांकना चाहिए इस सरकार में। जो सरकार के आंकड़े होते हैं वो सरकारी आंकड़े होते हैं, वो हमारे दिए हुए रिपोर्ट पर नहीं, सरकार का जांच करके उसके एजेंसी है वो बताते हैं कि कितना छिनतई हुआ। और इस राज में हम समझते हैं कि राज में जितना ब्यूरोक्रेसी है और ब्यूरोक्रेसी जब हावी हो जाता है तो जनता के सब काम अधूरे हो जाते हैं और आज के राज में ब्यूरोक्रेसी हावी है और मनीष वर्मा जी जैसे पदाधिकारी आते हैं तो हम समझते हैं कि राजनीति भी ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा और आने वाले दिनों में जो ग्रास रूट का वर्कर है वो ग्रास रूट के वर्कर को लोग कोई टिकट नहीं देने वाला है, इसलिए अब राजनीति में जनता का काम नहीं हो पाएगा, जनता के बीच में अगर नेता नहीं जाएगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। नीतीश कुमार को क्यों उत्तराधिकारी चुनना पड़ रहा है? अरे भाई, नीतीश कुमार अपने ब्यूरोक्रेट हैं, अब ब्यूरोक्रेसी को वो तवज्जो देते हैं, क्योंकि ग्रास रूट के तो रहे नहीं हैं ये तो एकाएक, अब तो जानते ही कि 77 में चुनाव नहीं जीते, 80 में चुनाव नहीं जीते, ये 85 में चुनाव जीते और फिर 89 में शरद यादव और लालू यादव की कृपा से ये MP बन गए और उसी समय कृषि राज्यमंत्री बने, देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे और कृषि मंत्री भी थे, तो वो तो बड़े नेता थे, सब काम यही देखते थे, तो उनको काम करने जनता से रूबरू होने का मौका नहीं मिला और एक परिस्थिति आती है राजनीति में, पद मिल जाता है, मुख्यमंत्री हो जाते हैं लोग और बड़े नेता का सौभाग्य प्राप्त होता है तो बहुत लोग ग्रास रूट का वर्कर वहां तक नहीं पहुंच पाता है। नीतीश कुमार को ग्रास रूट का नेता नहीं मानते? नहीं नहीं, ग्रास रूट का वर्कर नहीं है ये, कभी इन्होंने झोला टांग का काम नहीं किया है, ये हमेशा ब्यूरोक्रेट क्या के साथ दिया और ब्यूरोक्रेसी जैसा राजनीति किया।
आप सुन रहे थे भाई वीरेंद्र को, इन्होंने तो मनीष वर्मा का स्वागत किया है राजनीति में आए हैं तो, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि नीतीश कुमार हमेशा ब्यूरोक्रेट्स पर ज़्यादा भरोसा करते हैं और राजनीति में भी ब्यूरोक्रेट्स को ला रहे हैं।